जहां महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए हुई बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी को मिलकर फैसला लेना होगा। सीएम ने कहा कि अगर लॉकडाउन लगा तो महीने भर में कोरोना नियंत्रित हो जाएगा। यहां उन्होंने कहा कि 15 से 20 अप्रैल के बीच स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है, लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यहाँ कोरोना की चैन तोड़ना बेहद ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि टीका लगाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं और बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन का संकेत दिया और एक सप्ताह के बाद कुछ रियायतें दी जाएंगी। सीएम उद्धव ने कहा कि बैठक में बेहद ही अच्छे सुझाव आए। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन यहां कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया और कुछ निर्णय लेने होंगे। और उधर दूसरी ओर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि फिलहाल 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है और महीने में 1,00,000 से ज्यादा रेमडेसिविर की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है और इसे रोकना बेहद ही जरूरी है। पुणे और मुंबई जैसे शहर में ट्रेसिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां इस बारे में निजी अस्पतालों से पूछा जाएगा। वहीं इस पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस इंजेक्शन का जल्द कैसे मिलना है ये अब ये देखना होगा। ऑक्सीजन का स्टॉक जल्द मुहैया भी कराया जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।